बढ़ते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। मिर्जापुर पहाड़ी ब्लॉक नगहट गांव के प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री में बरसात का पानी जमा होने से बच्चों को विद्यालय आने व जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बात को लेकर गांव के लोगों ने अपने ग्राम प्रधान जिलाजीत उर्फ बच्चे लाल से कहा कि यहां पर कुछ मिट्टी गिरवा दे, लेकिन ग्राम प्रधान 2 साल से आश्वासन दे रहे हैं। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता सुशील त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुशील कुमार त्रिपाठी, यहाँ प्राथमिक विद्यालय नगहट विकास खंड पहाड़ी जनपद मिर्जापुर, यहाँ के स्कूल के बाउंड्री में जो है पानी जमा होने के कारण बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए यहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं। सर जी किधर गए? सर जी आइए, इस बाउंड्री के लिए कुछ बाउंड्री के लिए सर सूचना वगैरह दिया गया है ग्राम प्रधान के यहाँ भी, और हमारे स्तर से अपने अधिकारियों के पास भी सूचना गई है। और क्योंकि हमारे विभाग में बजट की कमी है, प्रधान द्वारा आश्वासन मिला है कि करा जाएंगे, लेकिन आज तक अभी तो कुछ हुआ ही नहीं कार्रवाई। प्रधान जी द्वारा ही देखिए बाउंड्री का मतलब कि टूटा हुआ है कार्य कराते हुए, ये शौचालय का वो भी कार्य अभी नहीं हुआ, बाउंड्री का भी कार्य पूरा मतलब अधूरा है। इधर टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, कोटा स्टोन, उसका भी कार्य अधूरा है। बार बार कहने पर भी कोई कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है। और मिट्टी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है तो यहाँ पे बारिश में लगभग देखेंगे पानी जमा हो जाता है। बच्चों अध्यापक मिलके सब लोग हम सब थोड़ा बहुत जो हो सकता है सफाई करते हैं, और आज तक सफाई कर्मी का पता भी नहीं चलता, करीब 2 महीने से एब्सेंट चल रहे हैं। सफाई कर्मी यहाँ कभी भी नहीं आते? नहीं सर, अभी तक तो एक आध बार आते हैं फिर चले जाते हैं, सफाई का नाम कुछ सफाई कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। यहाँ सफाई कर्मी का नाम आप जानते हैं? हाँ, उर्मिला देवी। कहाँ की हैं? ये गांव तो नहीं पता, लेकिन मधारी में ही आती है, मुल्हवा की है, मुल्हवा निवासी है। हाँ, तो सफाई कर्मी यहाँ कभी मतलब 2-3 महीने 4 महीने से नहीं आ रही है, मतलब 15 दिन पे 20 दिन पे ऐसे करके एब्सेंट करके आती रहती है, लेकिन सफाई के नाम पे कुछ नहीं करती है, आती है मुआयना करके अपना चली जाती है। आइए यहाँ क्या दिक्कत है स्कूल में? स्कूल में तो बहुत दिक्कत है, यहाँ तो पानी जमा हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं खाना खाने के लिए। दिक्कत ये है कि बच्चे खेल कूद के लिए तो परेशान नहीं है, लेकिन खाना खाने के लिए परेशान हो जाते हैं जब पानी जमा हो जाता है, क्लास में खाना। और बाउंड्री कब से टूटी पड़ी है? अरे बाउंड्री तो हो गया करीब करीब हमको 10 महीने। प्रधान से बोले थे आप? प्रधान से तो कई लोग कह रहे हैं, मास्टर कह रहे हैं, कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी कह रहे थे, लेकिन नहीं सुनाई हो रही। हम रणजीत हैं, मैं स्कूल का सदस्य हूं, मैं कई बार गेट के लिए बोला, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। यहां जब पानी बरसता है तो बच्चे लोग पानी में समझ लो आते जाते खेलते कूदते हैं, बहुत जल्द से जल्द इसमें मिट्टी की पटवाने की कृपा किया जाए। और प्रधान से कितनी बार गेट टूट गया है, वो पशु आके सब ये पेड़ पौधा चल जा रहे हैं, कितनी बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ सफाईकर्मी सफाईकर्मी बीच बीच में कभी भी 10-15 दिन के ऐसे करके आते हैं, अपना हाथ दिए और मुआयना करके चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ सुनवाई हो ही नहीं रहा। ये है नगहट के प्राथमिक विद्यालय नगहट विकास खंड पहाड़ी जनपद मिर्जापुर, यहाँ जो है बच्चों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि प्रधान जो है यहाँ के जिलाजीत अभी तक कई सालों से पड़ा हुआ है, मिट्टी अभी तक इस बाउंड्री में नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ ये कल का पानी जो है ये बाउंड्री में बहता हुआ नजर आ रहा है। कल कभी दिखाओ। और बाउंड्री जो है प्रधान के द्वारा टूटी हुई, कितना दिन हुआ बाउंड्री टूटे? अरे 10 महीना के लमसम हो गया है बाउंड्री टूटे हुए। सर जी कितनी बार बोला जाके कि बाउंड्री खड़ा करवा दो, बाउंड्री खड़ा करवा दो, इसमें पास आके पेड़ पौधे चल जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ जो है बाउंड्री में जो बिजली का तार दिखाई दे रहा है, खंभा दिखाओ, खंभा
खंभा दिखाओ, ये जो है तार गिरने से बच्चों को दिक्कत हो सकता है, ये खंभा अभी तक हटा नहीं है, जिससे खतरा कभी भी हो सकता है। बच्चों द्वारा किया गया वृक्षारोपण जी हाँ, जनपद उन्नाव थाना बिहार के श्याम राजकुमारी जगन्नाथ सिंह सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेते छात्र एवं छात्राएं तथा समस्त अध्यापक गण व प्रबंधक महोदय। उन्नाव से हमारे संवाददाता राज बहादुर की रिपोर्ट। सर क्या नाम है? समरेन बहादुर सिंह। कौन सा जिला है? जिला उन्नाव, जनपद उन्नाव, भगवान नगर, विकासखंड सुमेरपुर, तहसील बीगापुर। विद्यालय का नाम है श्याम राजकुमारी जगन्नाथ सिंह सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज भगवान नगर उन्नाव। ये वृक्षारोपण कब से चल रहा है? वृक्षारोपण 3 दिन से चल रहा है जी हाँ। परसों को जो बताते हैं आधे लगा गए थे सर, ये आइए हम बच्चों से बच्चों की तरफ रुख करते हैं। और ये श्याम राजकुमार, श्याम राजकुमार जय हिंद, जगन्नाथ सिंह सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज भगवान नगर, जो बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज लगभग 3 दिन हो गए, 400 पेड़ लग रहे हैं। क्या नाम है? स्नेहा। अच्छा, तो पेड़ लगाने से कुछ लाभ बता सकते हैं? ये बच्चों द्वारा जो वृक्षारोपण कराया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? क्या महत्व है? ये है कि जो हमारी प्रकृति है, इसलिए कि वृक्ष तो अमूल्य निधि हैं, इनसे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण दूर होता है, छाया मिलती है, जानवरों को पक्षियों को संरक्षण मिलता है और नाना प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। सर ये वृक्षारोपण कितने दिनों से चल रहा है? 3 रोज। 3 रोज से वृक्षारोपण? जी हाँ, 3 रोज। हेलो, बड़ी खूब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर।
प्रयागराज के चकजीरो मोहल्ले में आज चीप बेस इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जा रहे हैं। छोटे और पुराने मीटरों को निकाला जा रहा है। नए मीटर प्रीपेड तथा पोस्टपेड है या मीटर रिचार्जेबल है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की खास रिपोर्ट। ये आप किस एरिया में काम कर रहे हैं? आज चक सिटी रोड पे हम काम कर रहे हैं। क्या वर्क है आपका? हमारा वर्क ये है कि ये जो पुराना मीटर लगा हुआ है डिजिटल मीटर को बदल के और इस नया मीटर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करना है। इस मीटर की क्या खूबी है? इस मीटर में ये है कि पुराने मीटर में जैसा था उसमें रीडर आता था, ठीक। इसमें रीडर का काम खत्म हो चुका है। इसमें सिम लगा है, GPS लगा हुआ है और ये टोटल आपके पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों हैं। ये आपके सभी के सुविधा के लिए हो रहा है। ये टोटल आपके मोबाइल से लिंक हो जाएगा। ये मोबाइल के थ्रू ही आप पूरा जमा करेंगे, कितना बिल है, क्या है, सब ये सब। तो ये टोटल मोबाइल से ही वर्क होगा इसका? ये इसका मोबाइल से वर्क होगा। अब पोस्टपेड में क्या सिस्टम है इसमें? पोस्टपेड का जैसे ये आपका चल रहा है जैसे ये है ये चलेगा। और प्रीपेड वाले में है कि रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्जेबल ये अभी फिलहाल तो नहीं होगा, अभी तो पूरा इंस्टॉल हो रहा है। जैसा चल रहा है वैसे होगा। आपके मोबाइल में आ जाएगा मैसेज कितना आपका बिल हुआ है महीने महीने। आप जाके वहाँ पे जमा करिए, चाहे फोन पे, गूगल पे वगैरह। ये किसके द्वारा वर्क हो रहा है? ये UPPCL का वर्क है। उन्होंने EESL को वो दिया है, ठेका दिया है, तो वेंडरशिप पे काम हो रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय इंद्रेश सिंह। क्या है पद? सुपरवाइजर है। प्रयागराज के कहाँ पे? प्रयागराज से ही है, झूसी में हमारा घर पड़ता है। थैंक यू। सभी के समाचार आए। कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।